दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो आज हम आपके लिए एक बड़ी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप एक CSC VLE हैं या फिर आप जो है IRCTC का टिकट बुकिंग केंद्र चलाते हैं तो आपके लिए कई बार ये समस्या देखने को मिली होगी। फ्रेंड्स, यह समस्या उन सभी लोगों के लिए आती है जो कि IRCTC से टिकट बुक करते हैं। अगर आप आम व्यक्ति हैं और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यह क्या समस्या है और आखिरकार हमें यह रिग्रेट क्यों दिखाता है, तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ रिग्रेट दिखने पे क्या टिकट बुक होता है या नहीं होता है, वो भी जानकारी हम आपको यहाँ पर देंगे। और अगर टिकट बुक होता है तो कैसे आप टिकट बुक करेंगे रिग्रेट होने पे, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं, हम आए हैं IRCTC की वेबसाइट पे और यहाँ पर हमने एक टिकट सर्च करी है वी लक्ष्मी बाई यानी झांसी से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर टिकट सर्च करी तो यहाँ पर देखिए 17, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख को यहाँ पर देखिए ये रिग्रेट दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए ये रिग्रेट दिखाने का मतलब क्या है, पहले तो आप वो जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, पहले जब यहाँ पर टिकट बुक होती हैं तो पहले तो वो टिकट बुक होती हैं जो यहाँ पर खाली होती हैं। तो फ्रेंड, जो भी टिकट खाली होती हैं वो आपको ग्रीन में दिखाई देती हैं और उन्हें आप बुक कर लेते हैं। फ्रेंड, जब वो आपकी टिकट खत्म हो जाती हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर वेटिंग में नंबर चलता है। और देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये दूसरी ट्रेन में वेटिंग में दिख रही है, तो यहाँ पर वेटिंग में टिकट बुक होती रहती हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जब ये वेटिंग की टिकट भी फुल भर जाती है, जितनी इनकी लिमिट होती है वेटिंग की, और ये भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद कोई टिकट नहीं बचती है, तो फिर ये रिग्रेट लिखा आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो इनकी वेटिंग की क्षमता थी वो भी अब कंप्लीट हो गई है, तो अब ये वेटिंग में टिकट भी नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स, कई लोग अलग अलग भी समझते हैं, जैसे ट्रेन बंद हो गई है या ट्रेन आ नहीं रही है, ट्रेन रद्द हो गई है, तो इसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जो वेटिंग की टिकट है उनकी लिमिट अब फुल हो गई है और अब जो है इस ट्रेन में कोई भी वेटिंग की टिकट खाली नहीं है, इसलिए उसके सामने, उस डेट के सामने रिग्रेट लिखा आ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि रिग्रेट का मतलब क्या होता है। अब हम बताते हैं कि अगर हम इस रिग्रेट में टिकट बुक करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या रिग्रेट की टिकट यहाँ शो होने पे क्या हम जो है रेलवे के काउंटर पे जाके टिकट बुक करा सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पर ऑनलाइन रिग्रेट दिखा रहा है तो आप जो है, जो आपके रेलवे के काउंटर होते हैं वहाँ पे जाके भी टिकट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको भी यही शो होगा, तो वहाँ से भी आपको टिकट बुक नहीं मिलेगी, यानी कि वहाँ से टिकट बुक नहीं होगी। अब बात करेंगे यहाँ पर रिग्रेट होने पे आप टिकट कैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी यहाँ पर जो वेटिंग का नंबर होगा, यानी कि वेटिंग का जितने भी लोगों ने यहाँ पर टिकट बुक करी होगी, जब भी वो यहाँ पर अपनी टिकट को कैंसिल कर देते हैं या फ्रेंड जिसकी कन्फर्म टिकट होगी वो भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर वेटिंग का नंबर शो होने लगेगा। ये ऑटोमेटिक एक दो दिन में आप चेक कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक अभी कोई अगर यहां पर टिकट कैंसिल कर देता है जिसकी या तो वेटिंग में हो या कंफर्म हो, तो ऑटोमेटिक यहां पर अगला नंबर जो है वेटिंग के लिए आ जाएगा और फिर टिकट यहां से बुक होने लगेगी। तो यही प्रक्रिया है, तभी टिकट बुक होगी जब पहले यहां पर किसी की कैंसिल होगी या किसी का जो है यहां पर जो कंफर्म टिकट होगी वो कैंसिल होगी या वेटिंग टिकट है वो कैंसिल होगी, तभी ये रिग्रेट वाला बुकिंग में आएगा और फिर वेटिंग लिस्ट में यहां पर टिकट बुक हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको एक छोटी सी जानकारी समझ में आ गई होगी और आप रिग्रेट का मतलब समझ गए होंगे। इसके बारे में अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।